माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मेरा नाम राजेश वाल्मीकि है। मैं आगरा नगर निगम में सफाई कर्मचारी के पद पर पिछले 25 वर्षों से कार्यरत हूं। हेलो। हाँ बोलिए वाल्मीकि जी, बोलिए। प्रधानमंत्री जी नमस्कार। नमस्कार, मैंने सुना आप आगरा से हैं, आप सफाई कर्मचारी हैं, वाल्मीकि आपका नाम है, बताइए। सफाई कर्मचारी के पद पर पिछले 25 वर्षों से कार्यरत हूँ। मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस रोजाना नए झूठ बोलती है, रोजाना नए झूठ बोलती है, एक झूठ 100-100 बार बोलती है। और पिछले 5 सालों में उन्होंने झूठ ही बोला है। पिछले 5 सालों में हमने देखा है कि उनका झूठ और भ्रम बोलने का इकोसिस्टम बहुत मजबूत है। इसको हम कैसे एक्सपोज करें? आपकी आपकी बात सही है। धन्यवाद प्रधानमंत्री कि इनका झूठ बोलने वालों को इकोसिस्टम की इतनी मदद मिलती है कि उनका झूठ बार बार गूंज रहता है। लेकिन उनके झूठ को समझने जैसा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कांग्रेस का झूठ बड़ा सीजनल होता है, जैसे पतंग की सीजन आती है, पटाखे की सीजन आती है, उसी प्रकार से उनका सीजनल है। सीजन के हिसाब से वो झूठ प्रोडक्ट करते हैं, फिर मैदान में छोड़ते हैं और इनका इकोसिस्टम इसको उठाता है। ये बड़ा आपने देखा होगा कि जब यहाँ दिल्ली में चुनाव चल रहा था तब उन्होंने एक झूठ चला दिया। झूठ क्या था? चर्च पे हमले हो रहे हैं, चर्च पे रह रहे असहिष्णुता, इनटॉलरेंस, इनटॉलरेंस, आपने देखा होगा। जैसे ही चुनाव समाप्त हो गए, इंटॉलरेंस भी समाप्त हो गया। इनका झूठा सही है। बिहार में चुनाव चल रहा था तो उन्होंने झूठ निकाला, मोदी आया है अब संविधान को खत्म कर देगा, आरक्षण ले लेगा, आरक्षण जाने वाला है, ये झूठ चलाया उन्होंने। बिहार का चुनाव तब तक झूठ चलाया, झूठ चलाया, बस वही, कोई मुद्दा नहीं उठा। और उनके जो इकोसिस्टम है वो भी जा जाकर के लोगों के ही पूछने लग गए, कैसे भी करके खींचते रहते थे। पहली बार देश में आरक्षण हटाने की बात छोड़ दीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सबसे ज्यादा सम्मान किया हो तो हमारी सरकार ने किया। संविधान के द्वारा ओबीसी को कमीशन बना करके उसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए हमें पार्लियामेंट में बिल लाए, दो दो तीन तीन सत्र तक उसको लटकाए रखा उन्होंने, लेकिन झूठ बोलते रहे। अभी पार्लियामेंट में हमें कानून लाए, संविधान में परिवर्तन किया, सामान्य वर्ग के 10%, सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण, और किसी का छीने बिना, समाज में कोई तनाव पैदा हुए बिना, न किसी के पुतले जले, न आग लगी, कुछ नहीं, प्रेम से, समझौते से कर लिया हमने। और देश के सामान्य वर्ग के गरीब जो सालों से मांग कर रहे थे, उनको मान सम्मान करने का हमने काम कर दिया। लेकिन उन्होंने चलाया कि देखिए आरक्षण ले लेगा, आरक्षण ले लेगा। उसके बाद उन्होंने एक अवार्ड वापसी गैंग आई, कोई घटना हो गया है, अवार्ड वापसी गैंग मैदान में आ जाती है। मैंने सरकार में पूछा यार क्या क्या वापिस आया जरा बताओ तो, अखबार में आता है, मैंने तो कहीं देखा नहीं, न उनको रुपये मिले हैं अवार्ड के साथ, वो भी वापस नहीं आए। लेकिन ये अवार्ड वापसी गैंग, और जैसे ही कोई चुनाव या घटना पूरी हो गई, वो अवार्ड वापसी गैंग फिर घर में जाके सो जाती है। यानी आपने देखा होगा हर बार उनके झूठ का, झूठ की उम्र भी ज्यादा नहीं है, उनके झूठ की उम्र ज्यादा नहीं है। कुछ झूठ तो ऐसे है कि बाल मृत्यु हो जाता है, लेकिन खींच खींच करके उसको लंबा कर रहे हैं। इस झूठ का जवाब
आसान है, बहुत आसान है, मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सच बताते चलो। आप सच बताते चलिए, सच की ताकत इतनी होती है कि उनका झूठ कभी नहीं टिक पाएगा। और सामान्य मानवी को समझाना चाहिए कि कितना झूठ बोलते हैं। अब उनके सिर्फ जो झूठ बोलता है उसके लिए पहली शर्त होती है कि उसकी मेमोरी पावर बहुत शार्प होना चाहिए। वो एक दिन एक आंकड़ा बोले, दूसरे दिन दूसरा बोले, तीसरे दिन तीसरा बोले। तो झूठ बोलने के लिए भी कोई उनको पकड़ा देता है, जो उनकी फैक्ट्री है झूठ प्रोडक्ट करने वाली, वो पकड़ा देती कि इस बार इस झूठ को चलाइए, लेकिन मेमोरी का गड़बड़ होने के कारण ये फिर पकड़े जाते हैं। वरना अगर उनकी बातों में सच्चाई होती तो बार बार थोड़ा आंकड़े बदलने पड़ते हैं भाई। ये बार बार बदलना पड़ता है उसका मात्र कारण ही है कि उनके भीतर इतना झूठ पड़ा हुआ है कि वो झूठ अभिव्यक्त हुए बिना रहता नहीं है। और इसलिए सत्य के सहारे जीना है, सत्य के सहारे चलना है, जहां जाए वहां सत्य बोलना है। सत्य बोलने के लिए कोई आदमी नहीं रखना पड़ता है, जो दिल में हो निकलता है। आप वाल्मीकि जी हिम्मत के साथ सत्य बोलते चले जाइए, विजय आपकी निश्चित है।